Welcome, welcome back to my channel. In today's video, I'll be showing you guys some of my favorite purchases from Amazon. मैंने बहुत सारे beauty products purchase किए. Beauty products, perfume, sunscreen. There are so many things I want to share with you guys. So without any further ado, let's get started. सारी products मैंने Amazon से purchase किए क्योंकि Amazon पे भी बहुत अच्छी sale चालू है. Amazon Great Freedom Festival is live from 9th to 11th August. Get minimum 50 to 80% off on 1,500 plus top brands and deals on 4 lakh plus styles. Let's get started. सबसे पहले मैं आपको मेरा फेवरेट प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, विच इज दिस बॉडी मिस्ट फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. ओ माय गॉड, दिस इज इन द वेरिएंट द 1000 विशेस. इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, जब से मैंने ये परचेस की तब से आई एम जस्ट अप्लाइंग इट अगेन एंड अगेन और मुझे इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है. जो भी मुझे रिसेंटली जिसने भी विजिट किया, हूएवर मेट मी, एवरीवन वाज लाइक दिस परफ्यूम इज सो गुड. लाइक इट्स अ बॉडी मिस्ट, मैं ऑल ओवर अपने बॉडी पे लगाती हूँ आफ्टर टेकिंग बाथ एंड दिस मेक्स मी फील लाइक अ वेनिला. एकदम वेनिला का फ्रेग्रेंस नोट है. आई रियली रियली लाइक इट. इसका बहुत ज्यादा हाइप है, एवरीवन यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस एंड मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए. एंड दिस इज वर्थ एवरी पेनी. थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ जाता है बट अभी आपको अमेजोन सेल पे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा बॉडी मिस्ट. एंड या इसका बड़ा वाला वेरियंट भी आता है बट मेरे को आई वॉज नॉट श्योर कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, इसीलिए मैंने ये छोटा साइज परचेस की हूँ. इफ यू वॉन्ट अ बड़ा, डायरेक्टली बड़ा साइज भी परचेस कर सकते हो. यू गाइज वॉन्ट बी रिग्रेटिंग दिस. आई पर्सनली लव दिस. 10/10, आई विल जस्ट रेट इट 10/10. इसके जो नोट्स है ये बहुत ही अच्छे, एकदम फ्लोरल, फेमिनिन, वेनिला फ्रेग्रेंस, एकदम कपकेक जैसा स्मेल करोगे आप इसको लगाने के बाद में. आई वुड हाईली. सेकेंड, मैंने ना सनस्क्रीन अपना रीपर्चेस की हूँ, विच इज दिस डर्माकोस सनस्क्रीन. आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर इयर्स नाउ और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. इसके लिए मैंने रीपर्चेस की हूँ. यू गाइस कैन सी मेरे पास इसके अलग अलग वेरियंट है क्योंकि मैंने इसको इतना ज्यादा यूज किया एंड आई गॉट टू नो कि डर्माको ने अभी न्यू सनस्क्रीन लॉन्च किया है, विच इज दिस सनस्क्रीन स्प्रे. इसका जो पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा, एकदम कैप्सूल जैसा लगता. इससे पहले मैंने ये क्रीम सनस्क्रीन यूज करती थी अपने फेस पे बट अभी सिंस मॉनसून चालू है तो आई डोंट यूजुअली प्रिफर सनस्क्रीन लगाना क्योंकि ज्यादा धूप ही नहीं निकल रही है. तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई किया जाए. दिस इज वेरी इजी टू यूज. आप इसको, दिस इज अ बॉडी एंड फेस सनस्क्रीन, आप इसको फेस पे भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो. लेट मी शो यू ओपन करके. इसको ओपन करना बहुत ज्यादा इजी है, ऐसा स्प्रे जैसा आ जाता है ये एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्प्रे कर लो एंड यू आर गुड टू गो. ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देगा और आपका जो फेस है बहुत ज्यादा ऑयली नहीं फील होगा क्योंकि ये स्प्रे फॉर्म में आ जाता है. आप सिमिलरली इसको अपने बॉडी पे भी लगा सकते हो. देख सकते हो एकदम ही पानी जैसा ही है ये बट दिस विल प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज. और ये है SPF 50 PA++++, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव. आई वुड हाईली रिकमेंड. डर्माको इज अ गुड ब्रांड, मतलब बहुत ही अच्छा स्किन केयर ब्रांड है. अगर आप यूट्यूब में जाके और भी इनके रिव्यूज देखोगे, अमेजोन पे रिव्यूज देखोगे, देन यू विल गेट टू नो कितना अच्छा ब्रांड है. आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम इयर्स नाउ तो मुझे तो, मेरे लिए इट्स अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड फॉर मी. सो आई वुड हाईली रिकमेंड. इनका न्यू लॉन्च है, आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी ने ज्यादा इसको रिव्यू किया है बट आई हैव बीन यूजिंग दिस क्योंकि अभी मॉनसून चालू है. आई एम नॉट रीचिंग आउट टू यू नो सनस्क्रीन मोर. मैं बस यही यूज कर रही हूँ यू नो अपना मेकअप मुझे अलग से, इनकेस अगर आप अपना सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हो आपको बस ऊपर से इसे स्प्रे कर लेना है एंड यू आर गुड टू गो. इट्स रियली नाइस, में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है सो इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि आप इसको इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो. थर्ड, आई गॉट माय फेवरेट प्रोडक्ट विच इज ब्लश, बट ये ब्लश बहुत ही ज्यादा क्यूट है. यू गाइस कैन सी एकदम है ना टॉफी जैसा लगता है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड प्रोश, प्रोश ब्यूटी का. ये एकदम ही रेयर ब्यूटी का जो ब्लश है उसका ड्यूप है. इट्स रियली रियली नाइस. इसको ओपन करना बहुत ज्यादा ईजी है. यू जस्ट हैव टू डू लाइक दिस, आपको बस टर्न करना है एंड दिस इज द पिगमेंट. यू गाइस साइड में वीडियो लगा दूंगी. यही ब्लश आई एम वेयरिंग राइट नाउ एंड जस्ट लुक एट दिस. ये वाटर प्रूफ है, आप एक बार लगा दिए तो पूरा दिन तक का ये स्टे करेगा. इट्स वेरी वेरी नाइस. इसको ना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है, ज्यादा भी कोई डूई, ज्यादा शाइनी नहीं है. इट्स वेरी वेरी नाइस. समर्स में भी आप इसको इजीली लगा सकते हो, विंटर्स में लगा सकते हो. लिक्विड ब्लश इज ऑल ओवर द इंटरनेट एंड
एंड दिस इज द बेस्ट ड्यूप ऑफ रेयर ब्यूटी। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। इफ यू आर फेयर टू मीडियम स्किन टोन आई वुड रिकमेंड आप ये वाला शेड ही लेना। दिस इज इन द शेड रेसबेरी। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें और भी ज्यादा शेड्स अवेलेबल है, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। वेरी वेरी नाइस, आई वुड हाईली रिकमेंड। बहुत ज्यादा क्यूट लगा, वेरी वेरी पिगमेंटेड। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है मेरे फेस पे ये लगाने के बाद। फॉरवर्ड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल, अगर आपको स्कैल्प बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा है, यहाँ पे मैं पिक्चर्स लगा दूंगी। इफ दिस इज योर प्रॉब्लम, आपके हेयर ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे हैं, फ्रंट से एकदम खाली हो गया है, देन आई वुड रिकमेंड यू शुड ट्राई दिस सीरम। दिस इज फ्रॉम विशकेयर। ये बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ सीरम है। होने से पहले इसको अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगा लेना है एंड विद इन फ्यू वीक्स आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। न्यू बेबी हेयर ग्रोथ आप देख सकते हो, इट्स वायरल ऑल ओवर द इंटरनेट। आई होप सो कि आप लोग ने इसके बारे में सुने होंगे। इफ यू हैव नॉट हियर्ड अबाउट इट आई वुड रिकमेंड इसके बारे में और थोड़ा सा रिसर्च कर लो। मैंने इसको पर्सनली यूज की हूँ एंड आई लव हाउ इट वर्क्स। विशकेयर के सारे प्रोडक्ट्स, सनस्क्रीन, हेयर सीरम, लैश ग्रोथ सीरम है जो मैं आपको इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बट नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस और उसके बाद में मैंने इसको, ये मेरा थर्ड या फोर्थ परचेज है, आई जस्ट लव इट। इसको लगाने के बाद में मेरे हेयर बहुत ही ज्यादा थिक आने लगे हैं। आई रियली लाइक्ड इट। मतलब जहां पे हेयर्स थे भी नहीं ना, वहां पे न्यू बेबी ग्रोथ, बेबी हेयर्स के ग्रोथ मैं देख सकती हूँ। इट्स वेरी वेरी नाइस, आई वुड हाईली रिकमेंड। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इट्स समथिंग दैट एवरी इन्फ्लुएंसर इज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ एंड इट्स वर्थ दी हाइप। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इट्स ऑन सेल तो और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। मस्ट ट्राई प्रोडक्ट। ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर माय करंट फेवरेट एंड लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट लिपस्टिक। अगेन दिस इज व्हाट आई हैव फ्रॉम Amazon। ये Etude का फिक्सिंग लिपस्टिक है। इट्स वेरी वेरी नाइस, एकदम मेड फिनिश देता है। रिसेंटली आई एम मोर इनटू कोरियन स्टफ, कोरियन ड्रामा, कोरियन मेकअप, एवरीथिंग आई एम लविंग अबाउट के ड्रामास। सो दिस इज समथिंग आई गॉट एंड ये मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगा है। नॉर्मल लिपस्टिक की तरह नहीं है, देख सकते हो कितना मूस इसका फॉर्मूला है। आई नो एवरीवन इज इनटू लिप ग्लॉसेस, ग्लॉसी लिप्स, बट आई एम समवन जिसको ना अपने लिप्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पसंद है एंड दिस इज हाउ द फिनिशिंग लुक्स लाइक। ये लिपस्टिक मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। ऑल्सो ये ना बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता है, एक बार अगर आपने लगा लिया वंस इट ड्राइज ऑफ ये वहीं पे फिक्स रहता है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे शेड्स अवेलेबल है, बट आई गॉट दी शेड, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एक बार लगा ली थी। देख सकते हो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक एंड द बेस्ट थिंग, आप इसको एज अ लिप एंड चिक टिंट भी यूज कर सकते हो, आप अपने चीक्स पे भी लगा सकते हो। एकदम ही मूस फॉर्मूला आ जाता है, लिटरली इट फील्स लाइक अ मस्का। बहुत ही ज्यादा बटरी है और एकदम ब्लर हो जाता है ये, ठीक है, ऐसा लगेगा ही नहीं कहीं पे भी, आपको क्रैक्स नहीं पड़ेंगे इसको लगाने के बाद में। वेरी वेरी अंडररेटेड, आई डोंट नो व्हाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस लिपस्टिक। इट्स वेरी नाइस, इट्स मोर लाइक अ लिप एंड चिक टिंट एंड मैं यहाँ पे कहीं पे पिक्चर लगा दूंगी। आई वॉन्टेड समथिंग लाइक दिस एंड मेरे को बहुत ढूंढने के बाद में ये लिपस्टिक मिला है। इट्स रियली रियली नाइस। बट नॉट द लीस्ट, लास्टली आई गॉट दिस लिप बाम जो कि है विशकेयर से, अगेन जिसके बारे में मैंने पूरे इंटरनेट पे सुन चुकी हूँ, दैट्स वाई आई गॉट दिस विशकेयर का लिप बाम विच इज SPF 50 PA +++। ये आपको ना सन प्रोटेक्शन भी देगा और उसके साथ में आपके जो लिप्स बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, वो इसको लाइटन करने में भी हेल्प करेगा। देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है। इट्स नॉट समथिंग वेरी बहुत ही ज्यादा यू नो अच्छी पैकेजिंग या फिर यू नो फैंसी पैकेजिंग में नहीं आता है। इट्स अ वेरी सिंपल लिप बाम, पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। इट वर्क्स रियली वेल एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, तो मैंने भी ट्राई की। एकदम सडन चेंजेस तो मैंने नहीं देखी हूँ, बट या इट इज अ नाइस लिप बाम जिसमें आपको SPF मिल जाता है। की पैकेजिंग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड द प्रोडक्ट इज रियली गुड, आई वुड हाईली रेकमेंड। दैट्स इट फॉर टुडे, लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।